सुनो 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 सुनो, अब आ गया है दो टोकन वाला लूडो फैंटेसी, जल्दी खेलो। क्या बात है, अरे फोन निकालो और डाउनलोड करो, अभी नहीं किया तो कब किया। प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। वाह, अपना नया मेड इन इंडिया स्टाइल वाला लूडो फैंटेसी। खबर नंबर एक, भोपाल में वीएचपी नेताओं की शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी पर्ची छापकर लोगों से चंदा ले रहा था। खबर नंबर दो, जनवरी में छत्तीसगढ़ से एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया जो फर्जी पर्ची छापकर लोगों से चंदा वसूल कर रही थी। खबर नंबर तीन, जनवरी में ही यूपी के मुरादाबाद में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, वो फर्जी रसीद छापकर लोगों से उगाही कर रहे थे। खबर नंबर चार, राजस्थान के उदयपुर में भी एक ऐसे शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया जो राम मंदिर के नाम पर पैसा वसूल रहा था। खबर नंबर पाँच, एमपी के बुरहानपुर से भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है जिसमें फर्जी रसीदें छापकर लोगों से पैसे की उगाही की गई है। इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया था। ऐसी खबरें और भी होंगी, गूगल करेंगे तो सामने आ जाएंगी। साफ तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि कुछ राम मंदिर के नाम पर फर्जी पर्ची काट कर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं कुछ लोग। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, उन्हें पकड़ रही है, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई आए और राम मंदिर के लिए चंदा मांगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स सही है या नहीं? कैसे भरोसा करेंगे कि वो आपका पैसा वाकई राम मंदिर तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? और कैसे पता चलेगा कि जो पर्ची आपको दी गई वो असली है? दरअसल बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राम मंदिर के चंदे की ड्राइव को लेकर, फर्जी पर्ची को लेकर। तो हमने ये खबर करने का सोचा कि अगर किसी को इच्छा हो कि राम मंदिर के लिए चंदा देना है, मतलब ये आपकी इच्छा पर है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिएगा कि ललन टॉप चंदे के लिए बोला, अब ये न बोलने लगिएगा, हम बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब सभी सवालों का जवाब जो है तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस अभियान से जुड़ी कुछ खास बातों पर नज़र डाल लीजिए। मकर संक्रांति 2021 के दिन शुरू हुआ था ये चंदा लेने का अभियान, वीएचपी ने शुरू किया था। अब राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया है इसको। 5,01,00 रुपये का चंदा दिया था, रामनाथ कोविंद ने भी चंदा दिया था। वीएचपी का दावा है कि 5,00,000 से अधिक परिवारों के पास जाएंगे चंदा जुटाने का अभियान, केवल 27 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। अब वीएचपी के लोग चंदा ले रहे हैं, उनके पास 10,000 रुपए के कूपन हैं, 2,000 से अधिक का चंदा देने वालों को अधिक रसीद मिलेगी। अब वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, कहते हैं कि रसीद बुक पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिखा है और दानदाता भी इस बात को इंश्योर करें कि पर्ची पर लोगों और नाम सही लिखे हैं, ऐसा वो कहते हैं। ये अभियान वीएचपी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए किया जा रहा है और वही आधिकारिक संस्था है जो राम मंदिर के निर्माण के लिए बनेगी, जो ट्रस्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब उन्होंने पैसे का गणित बताया है, कहा है कि जो पैसा जमा होता है उसे 48 घंटों के भीतर ही ट्रस्ट के खाते में जमा कराया जाता है। जो टोली का प्रमुख है उसे एक बैंक कोड अलॉट किया गया है जिसके आधार पर वो अपनी नज़दीकी शाखा में पैसे जमा करा सकता है। केवल 3 बैंकों में ही यह पैसा जमा किया जाता है, SBI, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। देश भर में 1,00,000 टोलियाँ बनाई गई हैं, कुल 40,00,000 कार्यकर्ता हैं इन टोलियों में शामिल। अब कार्यकर्ताओं को आदेश दिए गए हैं कि 1,000-2,000 तक की ही रकम वो कैश ले सकते हैं, इसके ऊपर की रकम रसीद के माध्यम से ली जाएगी। विनोद बंसल कहते हैं कि आपके पास जो शख्स दान के लिए आता है, अब आपको उस पर शंका है तो अभियान समिति से संपर्क कर लीजिए, मतलब अगर चंदा उंदा लेना है तो उसके लिए संपर्क करिए, वो ऐसा बता रहे हैं। कई गांवों में लोग गए हुए हैं, कई शहरों में लोग गए हुए हैं, कई जगह हिंसा की भी मध्य प्रदेश जैसे खबरें आई थी, तो वैसी भी घटनाएं हर जगह हो रही हैं। कहा है कि हमारा लक्ष्य लोगों तक राम मंदिर की जानकारी पहुंचाना है। विनोद बंसल कहते हैं कि हम पैसा मांगेंगे नहीं, जानकारी देंगे, लोग अपनी इच्छा से दे सकते हैं तो दे दें। अब पैसा देते वक्त कुछ लोग बात का ध्यान रखें, वो ये कहते हैं कि असली रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिखा हुआ है, असली रसीद पर केवल 10,000 और 1,000 रुपए की है, कि नकली रसीदों पर मिलते जुलते नाम हो सकते हैं, नकली रसीदों पर भाषा और मात्रा की गलती हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर भी आप मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे सकते हैं। यहाँ 3 बैंकों के QR कोड दिए गए हैं, QR कोड को भी स्कैन करके आप चंदा दे सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है सामने। अब इसके अलावा आप चेक के माध्यम से ट्रस्ट तक पैसा पहुंचा सकते हैं। झारखंड में झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया, उन्हें
पूरे चंदे के सिस्टम पर भयानक सवाल उठाए हैं। कहा है कि दिन में तो लोग चंदे के लिए पैसा लेते हैं, रात में उसी पैसे की शराब पी जाते हैं। विवाद बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी मंदिर निर्माण के लिए पैसा दिया है और सवाल पूछने का मेरा भी हक है। बीजेपी से मैं पूछता हूं कि आपने इतने सालों तक जो पैसा मंदिर के नाम पर लिया है वो कहाँ है। कांग्रेस का छात्र संगठन है NSUI, उन्होंने भी राजस्थान में एक ड्राइव शुरू की है राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए। सब स्टेट की सरकारें, सब स्टेट के राजनीतिक संगठन अपने अपने तरीके से राम मंदिर के चंदे को लेकर आ रहे हैं सामने खबरों में, सुर्खियों में। तो ये खबर वरुण लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं मिथिलेश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।